हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है ठीक होंगे आप लोग। गाइस, आज हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग के लेक्चर 4 में पहुंच चुके हैं, जो सीरीज से चल रही है। प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड कर चुका हूं, आप लोग देख चुके हैं। पुराने स्टूडेंट है तो, नए स्टूडेंट है तो उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ विजिट करें हमारे चैनल, और वहाँ से आपको अच्छे कंटेंट के साथ, आपके अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, आपको जो वहाँ पर तीन वीडियोस जो है अपलोड किए गए हैं, उनको जाके देखें, और हमारे जो आज के वीडियोस हैं उससे जुड़े हुए वीडियो आपको मिलेंगे, और जो क्यों जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड आपको वहाँ आपको वीडियोस मिलेंगे, ठीक है? तो गाइस, आज हम ब्रीफली आज एक्सप्लेन करेंगे स्लीपर ऑफ रेल। है ना, आप देख सकते हैं, आपको लेक्चर 4 में दिखा रहा है यहाँ आपको स्लीपर ऑफ रेल। जी गाइस, स्लीपर ऑफ रेल, हालांकि हम उसमें लेक्चर 3 में टर्म देखे थे, टर्मिनोलॉजी में देखे थे कि क्या बेनिफिट है, क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ उनकी थोड़ी सी हेल्प लेकर उसके एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है? जरूरी है टॉपिक से, क्योंकि ये एग्जाम में आपके रेलवे इंजीनियरिंग जो एग्जाम होते हैं, RRB होते हैं, JEE होते हैं और GATE होते हैं, उस समय क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। तो मैं आपको बहुत बता चुका हूँ कि क्वेश्चन मैंने हमेशा एनालिसिस करके लाता हूँ, मैं खुद एक IAS की स्टूडेंट हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, तो आपके लिए हमारे COVID-19 की वजह से मेरे एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं आप सोचा कि आप लोग अच्छे जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, मैंने उनके लिए है ना सपोर्ट के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख चुका हूँ, एज वी नो, जैसा हम जानते हैं, स्लीपर इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रेलवे ट्रैक ऑन विच रेल्स आर सपोर्टेड एंड फिक्स्ड। आपको तो पता है कि स्लीपर का क्या इंपॉर्टेंस होती है। स्लीपर जो हम जब ट्रैक जिस पे बिछाते हैं, है ना, ट्रांसपोर्ट ट्रैक्शन जो मतलब बिछा रहता है, चाहे वो उसमें वेराइटीज होते हैं, एक्चुअली हम लोग ज़्यादातर प्री कास्ट का जो कास्टिंग कास्टेड होता है ना स्लीपर, वो कॉन्क्रीट जिसको बोलते हैं, कॉन्क्रीट वाला ही देखने को नजर आता है आम जिंदगी में। तो उससे पहले और भी टिम्बर यूज़ करते थे, कहीं कहीं स्टील भी यूज होता है, तो सबकी इंपॉर्टेंस हम देखेंगे आज, ठीक है? तो चलते बढ़ते आगे, है ना। तो ऑन विच द रेल्स आर सपोर्टेड एंड फिक्स्ड होता है ना, फिक्स्ड होते हैं, टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द रेल्स टू बेलेस्ट एंड सबग्रेड बिलो इट्स लेट ट्रांसफर टू द रेल्स। मैंने क्या बोला कि स्लीपर का वर्क्स परफॉर्म क्या होती है, वो किसी भी लोड जो रेल जो अगर मूविंग कर रही है, रेल जो इसकी स्पीड होती है, वो लोड वेरी करेगा ट्रैक पे, ट्रैक क्या करेगा, लोड को ट्रांसफर करेगा स्लीपर पे, स्लीपर जो ब्लैक ब्लास्ट के थ्रू सबग्रेड में डालेगा, है ना, और इस सबग्रेड सीधे सॉइल में जाती है। तो ये एक चैन फंक्शनिंग होती है जो स्लीपर ब्लास्ट और ट्रैक के बीच की जो, और सब सबग्रेड के बीच की जो एक चैन फंक्शन होती है लोड को ट्रांसफर करने की, ठीक है? हालांकि आप अगर आप मतलब पास आउट स्टूडेंट है तो आपको तो समझ में आ गया होगा ही कि किन का क्या रोल है, ठीक है? आप ये स्लीपर में, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि स्लीपर एक कोच भी होते हैं रेलवे में, वापस पढ़ने जाएं, ठीक है, उनको ये स्लीपर नहीं है, ये जो हम लेट करते बिछाते हैं वो उसकी फोकस करें, ठीक है? बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट नए जो है नए सेमेस्टर्स में घुसते हैं तो उनको जो है ना प्रॉब्लम होने लगती है कि ये स्लीपर क्या है, ठीक है? तो इसकी दिक्कत ना करें, ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिख दिया हूँ, आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज है मैंने, ठीक है, रेल्स ब्लेस्ट एंड सबग्रेड रेल्स। और ये किस तरह से बिछा हुआ है, लेट किस तरह से होता है, ट्रांसवर्स टू द रेल्स, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्लीपर। अब स्लीपर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, चाहे आप किसी भी टाइप्स के जो बिछा रहे हैं आप, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, स्लीपर का क्या रोल होना चाहिए, किस तरह की स्लीपर की रोल होती है, क्या करेक्टर्स होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इट शुड बी इकोनॉमिकल, ये इकोनॉमिकल होना चाहिए। इट शुड बी मेंटेन करेक्ट गेज एंड अलाइनमेंट, ये इस तरह से लेट होना चाहिए, इस तरह से बिछा होना चाहिए कि ट्रैक के में गेज को और अलाइनमेंट को मेंटेन रखे, ठीक है। इट शुड बी इजी टू लिफ्टिंग पैकिंग रिमूव एंड रिप्लेसमेंट, ये इजी होते हैं या इसको इजी करना करना पड़ता है कि चाहे वो लिफ्ट हो जाए, ठीक है, पैकिंग भी अच्छे हो जाए, रिमूव हो जाए और रिप्लेसमेंट हो जाए, है ना, कहीं कहीं पर ट्रैक को चेंज करना पड़ता है तो वहां पर रिप्लेसमेंट होती है, ठीक है? तो ये करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है।
आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो आपको लिखना होगा, बाकी गेट के स्टूडेंट है, जेई के स्टूडेंट है, ए के स्टूडेंट है, तो इनको 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 तो टर्म्स माइंड में रखना होगा। हो सकता है आपके असर्शन क्वेश्चन बना के रीजनिंग में डाल सकता है। ठीक है, इट शुड बी सफिशियंट स्ट्रांग टू रेसिस्ट शॉक्स एंड वाइब्रेशन। इसके अंदर जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसके अंदर जो है ना इतनी कैपेसिटी होती है कि वो रेसिस्ट करता है किसको, शॉक्स जो ट्रेन के थ्रू होता है, और वाइब्रेशन जो पैदा होते हैं, डायनामिक एक्शन ऑफ द ट्रेन है ना, जब ट्रेन चलती है तो उसमें डायनामिक एक्शन पैदा होता है और उसमें वाइब्रेशन और शॉक्स पैदा होते हैं जो कि वो रेसिस्ट करता है। ठीक है, फॉर ट्रैक सर्किटिंग द स्लीपर शुड बी इंसुलेटेड। अब क्या है कि सर्किटिंग है ना बिजली से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है, तो कहने का स्पार्क होता है, इलेक्ट्रिसिटी की थर्मल एक्सपेंशन आ सकती है। ठीक है, तो वहां पर भी स्लीपर का रोल अच्छा होता है जो इंसुलेटेड करता है। ठीक है ना, तो धीरे धीरे देख सकते हैं आप, आपको पॉज करके आप देख सकते हैं। इट शुड बी नॉट बी पुश्ड आउट इजिली। हाँ, अगर आप बिछाड़ रहे हैं तो ये पुश इजिली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये केयर करें। इट्स पोजिशन ड्यू टू मूविंग ट्रेन्स। ये किस तरह से बिछा होता है, मैंने बताया आपको, ट्रांसवर्स, जिस जिस लाइन में ट्रेन को चलना है उसी लाइन में ट्रांसवर डायरेक्शन में ये बिछा होता है। इसकी कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस होती है बिछाने के, जो आगे हम अब इसको एनालिसिस करेंगे तो बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ स्लीपर्स देख सकते हैं यहाँ आप। टाइप्स ऑफ स्लीपर मैंने बताया आपको है ना, कि स्लीपर बहुत सारे तरीके के मतलब डिजाइन होते हैं, चाहे वो उसमें आपको जो दिया है यहाँ आपको आप समझ भी रहे होंगे, आप जान भी रहे होंगे। पहला टिम्बर का जो स्लीपर होता है, कास्ट आयरन का होता है, स्टील का होता है, आरसीसी का होता है, प्री स्ट्रेस का होता है। ठीक है ना, टिम्बर, कास्ट आयरन, स्टील, आरसीसी, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। गाइस याद रखना, आप एग्जाम्स के, आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम में अगर बैठेंगे तो आपको लिखना ही पड़ेगा इनके बारे में डिटेल्स थोड़ी सी। ठीक है, आज हम लोग जो है ना इस चारों में, पांचों में जो है ना हम लोग टिम्बर को एक्सप्लेन किए हैं कि टिम्बर की क्या रोल होती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, किस तरह से हमें प्रोवाइड किया जाता है, क्यों क्यों हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, इसका बाद अर्ली प्रोवाइड क्यों हुआ है, क्यों इसको चेंज किया गया बाद में, सब चीज़ देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो देखिए आपको आज टिम्बर स्लिप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं जिस तरह से है ना टिम्बर स्लीपर, दीज आर आइडियल स्लीपर। देख लीजिए, बोल बीड़ा आइडियल स्लीपर, बिकॉज दे फुलफिल ऑलमोस्ट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड स्लीपर। अब टिम्बर स्लीपर में क्या खासियत है कि ये गुड स्लीपर के लिए हम अगर अडॉप्ट करेंगे, अगर हम एक इंजीनियर हैं तो हम अडॉप्ट करेंगे स्लीपर को, तो उसमें क्या खासियत, क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारे, वो एक आपको टिम्बर में मिल जाती है, टिम्बर स्टील में, जो कि इसलिए इसको आइडियल स्लीपर भी कहा जाता है। ठीक है, दे रिजल्ट इन नॉइजलेस ट्रैक एंड ऑल्सो इजी टू ले, पैक, लिफ्ट एंड मेंटेन। देखिए इनकी क्या खासियत है, इसकी रिजल्ट क्या है, नॉइजलेस होती है। जब ट्रैक चलती है तो इसमें आवाज की कोई मतलब आवाज जो है ना नॉइजलेस होती है, एंड इजी होती है बिछाने में, पैकिंग करने में, लिफ्ट में और मेंटेन करने में भी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं इजी लैंग्वेज में। मैंने दो तीन बुक्स के एनालिसिस करके, नोट्स के एनालिसिस करके मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें जेई के स्टूडेंट भी होते हैं, गेट के हैं, एई की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए। हालांकि गाइस मैं हाईवे इंजीनियरिंग के, रेलवे इंजीनियरिंग के स्टार्ट करने का मेन मकसद है, हमारे रिक्वायरमेंट्स आ रहे थे तो मैं आपको रेलवे इंजीनियरिंग का स्टार्ट किया, आगे हम हाईवे इंजीनियरिंग भी देखेंगे। ठीक है, तो इट्स जनरली मेड अप, देखिए क्या चीज़ से बना होता है। अच्छा, ये ऊपर का टर्म देख लेते हैं। ठीक है, इस रेसिस्ट शॉक्स एंड वाइब्रेशन ड्यू टू मूविंग ट्राम, ट्रेन, ट्राम भी होता है एक, याद रखिएगा, इस ट्राम है ना, हमारे कोलकाता में ट्राम चलते हैं, ट्रेन एंड ऑल्सो बेस्ट इंसुलेटिंग ऑफ द सर्किटिंग इन ट्रैक्स। देखिए हमने वो पिछले भी पढ़ा था कि गुड स्लीपर के लिए क्या क्या होना चाहिए, शॉक्स वाइब्रेशन को वो रेसिस्ट कर पाए, ठीक है, इंसुलेटिंग कर पाए सर्किटिंग के लिए, तो ये आपको टिम्बर वाले मिल रहा है। इट्स जनरली मेड अप शाल, टी, चीर एंड देवदार।
ट्रीज बिकॉज इट्स हैविंग हाई वेयर रेसिस्टेंट। अब क्या होता है कि अगर मान ले हमें स्लीपर तैयार करना है, हमें स्लीपर डिजाइन करना है, एज ए इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें स्लीपर डिजाइन करना है रेलवे ट्रैक के लिए, तो किस चीज का होना चाहिए, किस पेड़ का होना चाहिए, है ना? सॉल्ट, टीक, चीड़ एंड देवदार। इस ट्री को जो है ना बेस्ट माना गया, इस चारों को बेस्ट माना गया है कि इसकी बनी हुई जो ये स्लीपर होती है वो बेस्ट माना जाती है। ठीक है ठीक है, तो देखिए बस वही टर्म्स को लिख दिया मैंने। द टिम्बर स्लीपर शुड बी फ्रॉम द हार्ट ऑफ साउंड ट्री। साउंड ट्री मतलब ये ट्री तो है लेकिन ये बीच का हार्ट का निकलना चाहिए। हार्ट समझते हैं ना आप, बीच का मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, बीच ट्रंक होता है उसका, ट्रंक ट्रंक के बीच का पार्ट जो है ना वो बेस्ट माना जाता है। अगर मान ले जड़ से लेकर तना तक उसकी जो पूरी धड़ जिसको बोलते हैं धड़, धड़ के बीच का पार्ट हार्ट, हार्ट की जो बीच से निकल जो टिम्बर होती है वो बेस्ट माना जाता है। तो एक्चुअली बीच का ही जो है वो बेस्ट वो होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए इतना ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। अब देखिए टिम्बर का तो हम लोग अडॉप्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो टिम्बर में भी तो हमें बताया था मैंने कि जब उसको हार्डवुड निकालेंगे, टिम्बर बनाएंगे, तो क्या डायमेंशन लेना है, किसके लिए कितना रखना है, क्या स्टैंडर्ड डायमेंशन होगी, वो सब भी देखना होगा ना हमको। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ द स्टैंडर्ड डायमेंशन फॉर द टिम्बर आर, है ना? आपको देखिए आप पॉज करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ फोर ब्रॉड गेज, कितने लोग गॉज बोलते हैं, गॉज नहीं होते, ब्रॉड गेज होते हैं, है ना? फॉर ब्रॉड गेज के लिए हमारा डायमेंशन देखिए 2.5 मीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर लेंथ विड्थ डेप्थ, है ना? उसकी जो डेप्थ होती है, तो ये सब रखना है। ठीक है, फोर मीटर गेज के लिए 1.8 मीटर 20 सेंटीमीटर 11 पॉइंट, ये आपको याद रखना होगा। हो सकता है आपके डायमेंशन क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, जे वाले खास करके इनके क्वेश्चन तो मोस्टली क्वेश्चन इसी से आते हैं। अगर स्लिप अगर रेलवे से क्वेश्चन पूछते हैं तो खास करके इससे ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, फोर नैरो गेज, नैरो गेज में आप देख सकते हैं 1.6, 1.15 एंड 10 सेंटीमीटर, है ना? तो ये एक वैल्यूज है जो हमें बस माइंड में रखना है। दो तीन बार आप पॉज करके देख लें, ठीक है, इसको रिमाइंड कर लें, वीडियो को रिमाइंड करके भी देख लें किस तरह से हमें हमने बताया आपको। ठीक, तो एक बार आप इसको गौर से देख लें, ठीक है, पॉज करके। पॉज करिएगा, 10 सेकेंड देखिएगा, ठीक है, उसके बाद ऊपर नीचे कीजिए, फिर नीचे ऊपर कीजिए, फिर 3 बार, मतलब अपने माइंड को जो है ना मतलब डाइवर्ट कीजिए, उसके बाद आप इसको याद कीजिए, खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, अब वही बात मैं वहां कर रहा था अभी कि क्लियरेंस स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर, हमने बताया आपको दो स्लीपर अगर मान लीजिए, 1 मिनट मैं आपको एक पेन दिखा, पेन से बता रहा हूं। मान लीजिए ये दो स्लीपर है, ये बिछा है ना, दो स्लीपर बिछा हुआ है, ठीक है, या आप इस तरह से लव आपके ट्रांसफर हिसाब से आप किसी भी डायरेक्शन के ले लें। आप मान लीजिए ये ट्रैक बिछा हुआ, लेकिन इसमें नजर नहीं आ रहा है, तो इसको मान लीजिए आप ट्रांसवर्स है ना, ट्रैक इस तरह से बिछा हुआ है, इस तरह से ट्रैक बिछा हुआ है ना? तो इसकी जो डिस्टेंस होती है, ये गैप है ना, ये गैप स्लीपर की जो क्लियरेंस और डिस्टेंस होती है ना, दो दो स्लीपर की जो जो ये भी डिस्टेंस होती है बीच की, वो ये समझिए ट्रांसवर्स में है, ठीक है, और ट्रेन चलेगी इस डायरेक्शन में स्लीपर, क्योंकि ट्रैक तो इससे इधर बिछेगा, आप जानते हैं, है ना? उसके बाद फिर एक और जो होगा फिर बढ़ेगा, समझे? तो इस तरह से स्लीपर को हम लेट करते हैं या ले करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बताया जा रहा हूं अच्छे तरीके से। तो क्लियरेंस स्पेस बिटवीन स्लीपर रखना है हमको, ब्रॉड गेज में 50 सेंटीमीटर रखना है ना, मीटर गेज में 30 सेंटीमीटर, नैरो गेज में 25 सेंटीमीटर, 50 30 25, 50 30 25, ये याद रखिए, बस हो गया, 50 के ऊपर नहीं जाना है। फिर उसी तरह वो ट्रिक याद कीजिए आप, 30, अच्छा बीच वाले के लिए 30, फर्स्ट वाले के लिए 50, सेकंड वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए 25, यानी सबसे छोटा 25, ये तो आपको याद हो जाएगा, इसमें से कोई दिक्कत नहीं। पॉज कीजिए एक बार और रिमाइंड कीजिए, बस आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। मैंने यहां लिख दिया, लेकिन हाँ ये भी याद रखिएगा गाइस,
ये जो हम बिछा रहे हैं ना, स्पेशली ये जो वैल्यूज है, जो डायमेंशन है आपके, ये कब, जब ब्रिजेस लेट स्लीपर इन मिनिमम डिस्टेंस, अगर ब्रिजेस पे बिछा रहे हैं तो। ये याद रखिएगा, ब्रिजेस का क्वेश्चन आ रहा है। हालांकि नॉर्मली आप एग्जाम में तो अगर पूछ दे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ब्रिजेस की बात आ जाए तो ये ज्यादा खास इसके रोल आ जाते हैं, ठीक है। स्पेशली ये रोल ब्रिजेस के लिए होते हैं, क्योंकि ब्रिज पे बहुत सारा थ्रस्ट, एक्सलेशन और भी कुछ उसमें वहां प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ब्रिजेस सेंसिटिव वे माना जाता है ट्रैक का वहां पर, ठीक है। तो इसलिए तो याद रखें, इसको भूले नहीं, ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होगा, ठीक है। अब कुछ टर्म है जो हमें देखना है इसके बारे में। देखिए यहां आप देख सकते हैं, द स्लीपर शुड बी लेड सेंट्रली एंड कैप्ड एट 90 डिग्री टू रेल्स एक्सेप्ट टर्न आउट्स। अब देखिए स्लीपर कैसे होना चाहिए, कैसे बिछाना चाहिए, सेंट्रली बिछाना चाहिए एंड कैप्ड 90 डिग्री, ठीक है, टू द रेल्स एक्सेप्ट इन टर्न आउट्स, है ना। अब अगर आपको समझे, अगर आपको मैं बताना चाहूं तो मैंने बताया कि ये हमारा ट्रेन है, ट्रैक है, तो ये हमें लेवल चुनने बिछाना है ना, इस पे बिछाना, इस तरह से बिछाना है, इस तरह से बिछाना है, ये ट्रैक है ना। तो आप तो देख सकते हैं कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। तो जूम करके देख लें, एजिंग 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 मतलब किनारा होता है ना, एज एज जो किसी चीज का, एजिंग शुड बी डन इन द स्लीपर टू गिव अ स्लोप ऑफ, हाँ अब एजिंग करना है उसमें, तो इसकी रेशियो क्या रखना है इसका स्लोप का, 1:20, आपको पता है 1 वर्टिकल 20 हॉरिजॉन्टल, है ना, तो ये रखना है, ठीक है। रेल्स आर फिक्स्ड ओवर हार्ड स्लीपर विथ स्पाइक्स, रेल्स आर फिक्स्ड ओवर हार्ड स्लीपर्स विथ स्पाइक्स। अब हम इसमें आपको बताना चाहते हैं कि आप खैर तो आप तो यहां से गोल को चेक कर सकते हैं स्पाइक्स होता क्या है, लेकिन अगर फिक्स करना रहता है रेल को और इसको इसको स्लीपर को कनेक्ट करना रहता है, तो आप देखते होंगे लाइक डेट बैंगल्स, चूड़ी की तरह होता है वो रिंग की तरह फंसा रहता नीचे लोहा पर, ठीक है। मैं आपको अगर अगर छोटा सा मैं बताना चाहूं तो वो इस तरह से होता है ना, ये इस तरह से होता है, स्लीपर में फंसा होता है रिंग करके, ठीक है, फंसा रहता है जो कि वो स्लीपर में होता है, स्लीपर में फंसा रहता है ना, और ये ट्रैक रहती है। तो मैं एक छोटा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप जब ट्रेन के सफर करते होंगे तो आप देखते होंगे कि एक रिंग टाइप का जो कि, और उसमें हुक हुक जिसको बोलते हैं, ट्रैक पे हुक लगा हुआ है, वही इसको स्पाइक को बोला जाता है, ठीक है। अगर इन केस ऑफ सॉफ्ट वुडन स्लीपर, देख लीजिए यहां, इन केस ऑफ सॉफ्ट वुडन स्लीपर स्टील बेयरिंग प्लेट्स आर यूज टू डिस्ट्रीब्यूटेड द रेल लोड। इन केस अगर मान लें सॉफ्ट वुडन स्लीपर्स को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें स्टील प्लेट बेयरिंग प्लेट्स आर यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग के लिए रेल लोड ओवर वाइडेड एरिया में, ठीक है, ऑफ द स्लीपर, तो किस तरह से हम उसको मतलब पता करेंगे कि किस तरह का हमको स्लीपर लेना है, किस तरह का हमें टिम्बर का स्लीपर लेना है, किस तरह से क्या करना है। ये कंडीशन कब आएगा, जब आपको कंडीशन दे दिया जाए कि आपको सॉफ्ट वुड स्लीपर स्टील बेयरिंग प्लेट्स के साथ यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है रेल लोड ओवर वाइडर एरिया ऑफ स्टील स्लीपर, तो उस टाइम में हमारी सुइटेबिलिटी क्या होती है, किस तरह से समझेंगे कि हमें किस तरह का स्लीपर को वहां पर प्रोवाइड करना है, टिम्बर का किस तरह से प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज है जो कि इसमें दिया गया है, द सुइटेबिलिटी ऑफ टिम्बर फॉर इट यूज एज अ स्लीपर डिटरमाइंड बाय यूज ऑफ दिस फॉर्मूला CSI कंपोजिट, है ना, स्लीपर इंडेक्स। तो ऐसा आपको ऊपर कर देता हूं, ये फॉर्मूला है ना, CSI S+10H/20
CSI क्या है? कॉम्पोजिट स्लिपर इंडेक्स को, इसकी वैल्यू को देखते हुए हमें, जो कि वैल्यू में लाई करता है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, लाई करता है, इसको चेक करके हमें उस तरह के टिम्बर की जो है प्रॉपर्टीज वाले टिम्बर को जो वहां पर एडॉप्ट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसका मतलब, इस फॉर्मूले का मतलब। देखिए, एस स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑफ टिम्बर एट 12% मॉइस्चर कंटेंट। एस क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स ऑफ टिम्बर एट 12% मॉइस्चर कंटेंट। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा। एस स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑफ टिम्बर एट 12% मॉइस्चर कंटेंट। देखिए क्या स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स ऑफ टिम्बर का 12% मॉइस्चर कंटेंट हो, 12% पर है ना टिम्बर, इसकी स्ट्रेंथ। हार्डनेस इंडेक्स ऑफ टिम्बर 12% मॉइस्चर कंटेंट, ये दोनों स्ट्रेंथ और हार्डनेस कब एट 12% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट और 12% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। CSI, दिस इज अ मेजर ऑफ कंपोजिट प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, मैंने बताया आपको, ठीक है। द मिनिमम CSI वैल्यू ऑफ स्लीपर ट्रैक्स फॉर क्रॉसिंग एंड ब्रिज शुड बी 703 इतना, और जो भी वैल्यूज हैं यहाँ 1455 यानी 1455 है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो आपको याद रखना होगा कि मिनिमम CSI वैल्यू जो होती है कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स की जो वैल्यू होती है स्लीपर ट्रैक में, उसका क्रॉसिंग और ब्रिजिस शुड बी कितना, 783 इसको बोलते हैं, 1352 और 1455 के रिस्पेक्टिवली में होते हैं। इसमें इसी चीज को देख के ही हम एडॉप्ट करते हैं, ठीक है। जब आप सर्विस में जाएंगे तो वहां आपको पता चलेगा क्या है ये वैल्यू, ठीक है। आप फिलहाल यहाँ याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ठीक है। ये बहुत कम टीचर बताते हैं क्योंकि मुझे, मैं IAS स्टूडेंट में तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे पता है चीज को किस तरह करना है, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको बताना चाहूंगा कि वो हमारा टिम्बर वाला जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और हम आगे कास्ट चरण का देखेंगे, उसके बाद जो है प्री स्ट्रेस है, RCC है, उस सब अलग अलग देखेंगे, ब्रीफली देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। आप किसी भी एग्जाम में बैठे हैं, खासकर रेलवे में, तो आपको बहुत हेल्प हो, ठीक है। तो मैंने कुछ टर्म नोट्स करके लाया था कि स्लीपर डेंसिटी क्या होती है, इसका क्या रोल होता है ना, स्लीपर डेंसिटी क्या होती है, इसका क्या रोल होता है। आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। इट्स द नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल लेंथ, इट्स द नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल लेंथ ऑफ रेल है ना। इट्स डिपेंड अपॉन एक्सल लोड, स्पीड ऑफ ट्रेन, टाइप ऑफ ब्लास्ट, टाइप ऑफ स्लीपर एंड बेयरिंग एरिया ऑफ स्लीपर ऑन द ब्लास्ट। स्लीपर डेंसिटी कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है? देखिए, इट्स नंबर ऑफ स्लीपर पर लेंथ लेंथ, इसका स्लीपर जो पर लेंथ स्लीपर की क्या रेल है ना वो, और इसका डिपेंड्स अपॉन एक्सल लोड पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ ट्रेन पर, टाइप ऑफ ब्लास्ट पे, टाइप ऑफ स्लीपर पे एंड बेयरिंग एरिया ऑफ स्लीपर ऑन ब्लास्ट पे, ठीक है। इन इंडिया नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल, नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल, एक रेल पे नंबर ऑफ स्लीपर्स की वेरीज बिटवीन क्या है, N+3 to N+6 फॉर मैन ट्रैक। याद रखिएगा गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस मोस्ट VVI है ना। अगर स्लीपर डेंसिटी में अगर पर लेंथ निकालना रहे, स्लीपर पर लेंथ पर रेल लेंथ निकालना रहे तो कैसे निकालना है। इन इंडिया नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल वेरीज बिटवीन N+3 to N+6 फॉर मैन ट्रैक, एन बराबर लेंथ ऑफ स्लीपर रेल इन मीटर है ना। तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, आपको लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उस पर हम देखते हैं, एक छोटी सी न्यूमेरिकल टाइप का बना के दिखा देते हैं आपको किस तरह से ये परफॉर्म होती है। तो लेट कर लें, लेट कर लें, द स्लीपर डेंसिटी फॉर अ ब्रॉड गेज ट्रैक इज N+5 सिंस द लेंथ ऑफ इच रेल ऑन ब्रॉड गेज ट्रैक इज 12 मीटर से 13 मीटर होती है। हमें तो पता है, हाँ हमें तो पता है कि एन कितना होता है, एन नहीं, सॉरी एन नहीं, मतलब ब्रॉड गेज की लेंथ, ट्रैक की लेंथ कितनी होती है, एक एक रेल रेल की लेंथ कितनी होती है ब्रॉड गेज में,
12 से 13 मीटर की होती है, हमें तो पता है लेंथ। तो यहाँ पर फॉर्मूला पर डाल देखते हैं, सिंस द लेंथ ऑफ इच रेल ऑन ब्रॉड गेज 12 मीटर से 13 मीटर होता है, हेंस नंबर ऑफ स्लीपर अंडर इच रेल शुड बी 13 + 5 = 18। तो नंबर ऑफ स्लीपर अंडर इच रेल शुड बी कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। आप पॉज करके समझ सकते हैं, एक बार देख लें। ठीक है, मैं समझाने के लिए ऊपर के स्लीपर डेंसिटी को समझाने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है, कि ब्रॉड गेज में n+5 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेरीज कर रहा है। तब वो बता रहा हूँ मैं, वेरीज कर रहा है 6 तक, इसीलिए मैं आपको दिखाया ब्रॉड गेज में 5 लेते हैं, है ना। तो n+n तो नेल्थ का लेंथ हो गया जो कि 12 मीटर है, और हम 13 मीटर ले लिए यहाँ पर, 13 मीटर को मान के चलिए, 13 + 5 आ गया 18। तो मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ स्लीपर अंडर द इच रेल शॉल बी इतना है। कब, किसमें? ब्रॉड गेज में, याद रखिएगा, ये चीज भूलिएगा नहीं। ब्रॉड गेज में नंबर ऑफ स्लीपर अंडर इच रेल कितना होना चाहिए? 18। ये आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ठीक है, या फॉर्मूला भी दे सकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, VVI है, बहुत कम लोग बताते हैं इसको, ठीक है। तो होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आगे हम चलेंगे, कास्ट आयरन का है, RCC का है, प्री स्ट्रेस का है, तो उस चीज को जो बचा हुआ है हम लोग उसको देखेंगे, उसकी ब्रीफली देखेंगे गाइस, ठीक है। इतनी डीपली आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद एनालिसिस करता हूँ, मैं इसको तैयारी कर रहा हूँ, मेरे एग्जाम नहीं हो रहे हमारे अभी थ्रू है, तो COVID-19 की वजह से मैं एक IAS के स्टूडेंट हूँ, तो मैं खुद तैयारी सेल्फ कर रहा हूँ, अच्छे इंस्टीट्यूट से जुड़ा भी हूँ, तो आपको मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने का मैंने वादा किया और प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप मेरे वीडियो पर जाएं, वहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अच्छे कमेंट्स दे दें, और हमसे जुड़े रहें, उम्मीद रखें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। हम न्यूमेरिकल भी अगर होगा पॉसिबिलिटी तो हम न्यूमेरिकल कर दें, जिस तरह से हमने स्लीपर डेंसिटी को समझाया न्यूमेरिकल के थ्रू, हम और भी न्यूमेरिकल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, चलते हैं, जय हिंद, नमस्ते, सुसलिए, सलाम।